मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स एंड वेलकम टू राधारानी पी एजुकेशन। देखिए इसमें क्वेश्चंस लेते हैं। टू फिगर्स आर कन्वर्जेंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। अगर दोनों का जो शेप है वो आपका सेम है और साइज भी सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? न कन्वर्जेंट बोलेंगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम। समान आकार का हो, समान साइज का हो तो उसको क्या बोलोगे? तो उसको आप कन्वर्जेंट बोलोगे। टू स्क्वायर्स आर कन्वर्जेंट इफ दे हैव देयर साइड्स इक्वल साइड्स। अगर दोनों का साइड्स इक्वल होगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे कन्वर्जेंट आपको नहीं होगा। सारे जो स्क्वायर है अगर साइड अलग होगा तो कन्वर्जेंट वो नहीं होगा। टू सर्कल्स आर कन्वर्जेंट इफ दे आर रेडियल इक्वल। अगर उनकी जो रेडियस है, अगर वो दोनों का रेडियस अगर इक्वल होगा तो आपका होगा कन्वर्जेंट। टू इक्वल ट्रायंगल आर कन्वर्जेंट इफ दे हैव देयर साइड्स ना इक्वल साइड होगा, क्योंकि एंगल तो इक्वल है ही है लेकिन साइड भी इक्वल होनी चाहिए तब जाके। अगर मान लो एक हो गया 3 सेंटीमीटर, एक हो गया 4 सेंटीमीटर, तो वो दोनों कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो ये सारे कन्वर्जेंट हो सकता है अगर क्या है ना, स्क्वायर का साइड इक्वल होगा, सर्कल का भी जो रेडियस होती है एक का रेडियस दूसरे रेडियस के साथ समान है तब भी। इक्वल ट्रायंगल क्या होगा? अगर साइड इक्वल होगा तब भी कन्वर्जेंट होगा। आइसोसेल्स का क्या होती है ना, देखो आइसोसेल्स ट्रायंगल का भी वही होती है। आइसोसेल्स ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसकी दोनों साइड इक्वल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड इक्वल है। आपने चैप्टर 6 में पढ़े हो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल में अगर एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, देखो बेटा ये आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, इसके अगर दोनों साइड इक्वल है, अगर ये वाला जो साइड है इसके साथ इक्वल दे रखा है, तो इसकी जो सामने वाले जो एंगल है दिस वन, ये किसके साथ इक्वल हो जाएगा? इसके साथ इक्वल हो जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाओ इन ट्रायंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये भी उसकी ओके इक्वल। तो आपको दे रखा है इन ट्रायंगल अपोजिट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अगर दोनों इक्वल साइड्स के अगर इक्वल एंगल इक्वल होगा और दो इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगा, वो आपको ध्यान देना है। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स, क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज डैस द थर्ड साइड लेस देन द थर्ड साइड, क्या होगा ना? द डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ध्यान देना बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन, ये आपको लेस देन आ जाएगा, लेस देन या थर्ड साइड। तो समझ में आ गया होगा बेटा जो बताया गया। अब टू में आते हैं। स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड व्हिच आर फॉल्स। यू कैन रिप्लेस और रिफिल ऑफ योर पेन बॉल पॉइंट पेन बाय ए न्यू वन ओनली इफ द न्यू रिफिल इज ऑफ द सेम साइज एंड सेप एज द वन यू वांट टू रिमूव। बिल्कुल सेम साइज का हो तब तो वो रिफिल आप पेन में, मतलब आप पेन में लगा सकते हो, ये बिल्कुल आपका ट्रू होगा। ये आप इसको पढ़ के कर सकते हो, ये इतना कुछ वो नहीं कि ट्रू और फॉल्स सभी पेपर में आएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जो आप थोड़ा कर सकते हैं इसमें। इट इज नेसेसरी टू राइट करेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टेक्स करेक्टली फॉर राइटिंग कन्वर्ट ऑफ ट्रायंगल इन द सिंबल फॉर्म। बिल्कुल ट्रू है। टू ट्रायंगल आर कन्वर्ट इफ थ्री एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री एंगल, नहीं एंगल का कोई नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। एंगल साइड एंगल का है लेकिन ऐसे नहीं है कोई, तो फॉल्स है। इन ए ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट साइड हैज द ग्रेटेस्ट एंगल अपोजिट, बिल्कुल ट्रू है। अपने थ्योरम में पढ़े हो, जो एंगल बड़ा है उसके अपोजिट साइड जो है, सामने वाले जो अपोजिट साइड वो आपका ग्रेटेस्ट होगा, लॉन्गेस्ट होगा। इन ए ट्रायंगल द ग्रेटर एंगल हैज द लॉन्गेस्ट साइड अपोजिट इट, बिल्कुल ट्रू है। यही सब कॉन्सेप्ट आपको आ सकता है, फिगर बना के आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। इन ए ट्रायंगल द शॉर्टेस्ट साइड हैज द स्मॉलेस्ट एंगल अपोजिट इट, जो छोटा है उसके सामने वाले जो एंगल होगा वो भी छोटा होगा, बिल्कुल ट्रू है। इन ए ट्रायंगल द स्मॉलेस्ट एंगल हैज द शॉर्टेस्ट साइड अपोजिट इट, ये भी आपको ट्रू होगा क्योंकि जो छोटा है अपोजिट साइड भी छोटा होगा। चलिए थ्री में आइए, क्या बता रहे हैं।
Now, two triangles are congruent if two sides and an angle of one triangle are equal to two sides and an angle of the other triangle. Therefore, two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to two sides and the included angle of the other triangle. क्या कह रहा है बेटा, देखो ट्रू और फॉल्स बताना है और ये क्या आपको बता रखा है वो हम समझा रहे हैं. अब देखो, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देखो दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल मैं ऐसे बनाया और एक ट्रायंगल मैंने ऐसे बना दिया, ए बी सी पी क्यू आर में कर देता हूं. इसको ले लिया ए बी सी, दूसरा ले लिया मैंने पी क्यू, और ये वाला आर निकालना नहीं है, एंड है यहां तक आर. टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द इक्वल टू टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल. देखो बेटा मैं क्या बता रहा हूं ना, इसमें मान लो आपका अगर लगातार होगा ए बी और ये ए बी बराबर में अगर पी क्यू दे दिया, अगर बी सी बराबर में आपको दे दिया क्या है क्यू आर दे दिया, और कोई एंगल आपको दे दिया एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, अगर सपोज ए बी एंगल इक्वल टू क्यू एंगल दे दिया, ठीक है, तो जाके ये कन्वर्जेंट होगा. लेकिन अगर ए बी बराबर में पी आर दे दिया, बी सी बराबर में पी क्यू दे दिया, फिर ये बी बराबर में ये पी दे दिया, अगर इसमें से दो इसकी दो के साथ और इसमें कोई एंगल इसकी कोई भी एंगल के साथ इक्वल होगा तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगा. तो ये आपका दे रखा है लेकिन ये फॉल्स होगा. ये तो नहीं दे रखा है ए बी बराबर में पी क्यू या बी सी बराबर में क्यू आर या बी बराबर में क्यू. इसमें अगर ऐसे दे देगा, देखो इसमें दो साइड इसकी दो साइड के साथ इक्वल, लेकिन अगर आपका सही तरह से नहीं होगा, जैसे आप कहोगे ए बी बराबर में पी आर हो जाए, फिर बी सी बराबर में क्यू आर हो जाए, ठीक है, फिर आपको दे देगा ए बराबर में आर दे देगा, तो बेटा उसमें नहीं होगा ठीक, क्योंकि ना दोनों का जो है वो क्या होना चाहिए, अब पता होना चाहिए कि two triangles are congruent if two sides and the included angles of one angle are equal to the sides and the included angle of the other triangle. तो ये जो है आपका false होगा. True कब होगा? True होगा जब मैंने ये आपको false होगा. ये true कब होगा? जब मैंने बताया कि आपको AB बराबर में PQ, BC बराबर में QR और B बराबर में Q दे रखा है. ऐसे दो साइड इसकी कोई भी दो साइड उसकी कोई भी दो साइड के साथ इक्वल है, इसकी कोई भी एक एंगल दूसरे एंगल के साथ समान है, तो कॉन्वर्जेंट थोड़ी होगा बेटा, नहीं होगा. गलती से आप मत करना बेटा ट्रू इसको. नेक्स्ट, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्वर्जेंट, ये बड़ा दिख नहीं रहा है तो मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है. टू ट्रायंगल्स आर कॉन्वर्जेंट इफ एनी टू पार्ट्स ऑफ एंगल्स एंड वन पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. बिल्कुल नहीं होगा, मैंने अभी बताया. ऐसे अगर नहीं दिया है तो फॉल्स होगा. इन राइट ट्रायंगल एंगल द हाइपोटेन्यूज इज द शॉर्टेस्ट साइड, नहीं लॉन्गेस्ट साइड होता है, ये भी आपको फॉल्स दे दिया, ठीक है, बिल्कुल. आ जाओ फोर में आ जाओ, तो आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है. देखो फोर, टू पॉइंट सेवन, टू पॉइंट, तो साइड, तो बी ऑप्शन, क्योंकि इसकी तीनों साइड, क्योंकि वो ऐसी जो है कॉमन है, दोनों वो हैनिस्ट है, तो दोनों आपका कन्वर्ट हो जाएगा. फाइव में आ जाओ, क्या कह रहे हैं फाइव कह रहा है विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. देखो ये 90 है, तो 90 का मतलब होता है राइट एंगल तो आपको लेना ही लेना है. और चेक करो, एक देख के आपको पता नहीं करना है, 90 डिग्री तो ये आ गया, ठीक है. उसके बाद बी सी और ए डी ये हाइपोटेनियस है, तो एच भी आ रहा है. उसके बाद और क्या दे रखा है ना, और ये जो है ये तो एक साइड है ही है, दोनों में कॉमन है, तो आर एच एस क्या हो गया ना, आर हो गया राइट एंगल, हाइपोटेनियस साइड, ये हो गया 90 डिग्री का है, और ये कर्ण है, ये हो गया साइड, तो इसकी वजह से ये वाला होगा ऑप्शन डी, तो फाइव का ऑप्शन डी. सिक्स में आ जाओ, दोनों फिगर देखो बेटा, सिक्स में बताओ कौन सा सही होगा. ए बी बराबर में एसी दे रखा है, ए डी बी सी की बराबर है, और द रूल बताओ ए बी डी ए सी डी दोनों इक्वल है, तो आप बिल्कुल वही देख रहे हो कि आपका ये राइट एंगल है या हाइपोटेनस है, ये साइड है, बिल्कुल वही सेम आर एच एस है, दोनों क्या कॉन्वर्जेंट हो जाएगा. अब सेवन में आ जाओ, कन्वर्जेंसी आप मुझे बताओ.
सेवन में क्या आपको लग रहा है? ये साइड है, साइड है और इसको बाइसेक्ट कर रहा है, पता दिख रहा है आपको? तो साइड एंगल और ये दोनों में कॉमन है साइड, तो साइड एंगल साइड कुछ दिख रहा है ऊपर वाला है, एंगल साइड एंगल भी नहीं, एंगल एंगल साइड नहीं है और साइड 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 नहीं, तो साइड एंगल साइड। आगे आ जाते हैं, बी इक्वल टू सी दे दिया और ए डी परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 और दे रखा है, तो आप बताओ बी एंगल और सी एंगल इक्वल है, ए डी दोनों में कॉमन है 90 है, तो फिर वही क्वेश्चन नंबर 8 क्या आ जाएगा? क्या आपको नजर आ रहा है ना? देखो आप क्या क्या, दो एंगल दे दिया लेकिन यहाँ साइड नहीं है, आप ये आर एच एस तुक्के में मत लगाना क्योंकि 90 डिग्री दे रखा है, तो आप ऐसे आर एच एस लगा दोगे नहीं, राइट एंगल तो है लेकिन हाइपोटेन्यूस तो नहीं है ना बेटा, ये दोनों तो इक्वल नहीं दे रखा है, दोनों एंगल दे रखा है, तो दोनों एंगल मतलब एंगल साइड एंगल ये वाला, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 8 का, ओके, या एंगल एंगल साइड भी आप लगा सकते हैं। क्या होता है, एंगल साइड एंगल होती है, एंगल एंगल साइड होती है, यहाँ पे भी आप कन्फ्यूज हो सकते हो, तो इसीलिए यहाँ पे तो बुक में जो आपको दे रखा है एंगल एंगल साइड भी है, तो ये जो आपका ऑप्शन होगा एंगल एंगल साइड, ये देखिए एंगल साइड एंगल हो सकता है, क्या होता है जो इंक्लूडेड साइड रहता है, अगर बी इक्वल टू डी है और बी डी इक्वल टू सी डी होता तो आप लगा सकते थे एंगल साइड एंगल, लेकिन यहाँ पे दो एंगल और जो साइड है वो इन दोनों एंगल के जो बीच वाले जो साइड है वो बराबर नहीं है, इसलिए आप एंगल एंगल साइड भी लगा सकते हो। देखो कौन कौन सी आपको आता है कॉन्वेंसी के लिए, एस 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 साइड 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 आता है, इनमें से एक का तीनों साइड दूसरी तीनों साइड का इक्वल होती है, दूसरा आपका आता है क्या है ना एंगल साइड एंगल, अगर क्या है बेटा ना अगर दोनों एंगल दोनों एंगल दोनों एंगल एक ट्रायंगल की दूसरी एंगल ट्रायंगल के दोनों एंगल साथ इक्वल है और जो साइड है इंक्लूडिंग जो साइड है वो क्या होगा ना यहाँ पे जो इंक्लूडेड जो साइड है वो भी इक्वल होता है, जैसे बी डी बराबर में सी डी है तो एंगल साइड एंगल, अदरवाइज अगर ऐसे नहीं है कहीं पे दो एंगल है कहीं पे दो आपका एंगल है और एक नॉन इंक्लूडेड साइड बराबर हो रहा है तो एंगल एंगल साइड भी आप उसको लगा सकते हो, और उसके बाद आपका साइड एंगल साइड भी आता है, बुक में आपको चार दे रखा है साइड एंगल साइड भी है, ये दोनों तो एक ही बात मान लो साइड एंगल साइड है, और जो पांचवा जो आता है आपका क्या है आर एच एस राइट एंगल और हाइपोटेनियस और आपका साइड है। लेकिन जहां पे आपको ये दोनों कंडीशन आ जाता है एंगल साइड एंगल 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 एंगल, देखो दोनों ऑप्शन दे रखा है, तो देखो ये जो साइड है क्या वो इंक्लूडेड है नॉन इंक्लूडेड है, क्योंकि वो एडी जो है ए और डी एंगल को दोनों में नहीं है, तो इसीलिए आपका आप एंगल एंगल साइड लगा दो बेटर होगा, अगर आप एंगल साइड एंगल लगाते हो तो आपका आपको गलत होगा। ठीक है, अब और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा देखना बड़ा अच्छी तरह से क्या है नहीं है, गलत मत करना। क्वेश्चन नंबर 9 में आता है, 9 क्या कह रहा है बेटा समझो, 9 कह रहा है कि एडजोइंग फिगर, दोनों फिगर देख रहे हो एक दूसरे के साथ है, एडजोइंग फिगर दिख रहा है, तो उसमें क्या दे रखा है कौन सी रूल लगाएंगे, ए बी ये दे रखा है, ए बी इसके साथ समान है, ए और बी ए बी के साथ समान कौन सा है, ए बी के साथ इक्वल दे रखा है आपको ए बी के साथ एफ सी, यहाँ ए बी और एफ सी यहां तक इक्वल है, ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है ना अगर आप मैं बी एफ को जोड़ दूं, ए बी के साथ बी एफ जोड़ूंगा ए एफ हो जाएगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला इक्वल दे रखा है, ये तो बी एफ को मैंने दोनों के साथ जोड़ दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा ए एफ, मान लो आपका हो गया ए एफ बराबर में आपका बी सी, ए एफ इक्वल टू आपका हो जाएगा बी सी, क्यों होगा ना एक सेम अगर लेंथ में दोनों में जोड़ूंगा तो इक्वल तो होगा, पहले इक्वल दे रखा है वो। आगे आपको क्या करना है ना, और दे रखा है आपको, देखो ये वाला एंगल के साथ इक्वल है और इसका एक साइड इसके एक साइड समान है, तो आपका हो जाएगा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये वाला ऑप्शन जो आपको दिखेगा ये आपका होगा, क्योंकि दो साइड और एक एंगल दूसरे के साथ इक्वल है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं, 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा ना, देखो क्या दरखा है कितना डिग्री का हो जाएगा, ये ए बी ए सी बराबर दे रखा है, ये दोनों बराबर है तो बी कोण इक्वल हो जाएगा किसके साथ, हो जाएगा सी के साथ इक्वल हो जाएगा, फिर दे रखा है ए डी इज द मीडियन ऑफ ए बी सी, बिल्कुल ए डी मीडियन है, तो ए डी क्या करता है ना दोनों को बाइसेक्ट करेगा, बिल्कुल, तो मीडियन मीडियन जो होता है बेस को बाइसेक्ट करेगा,
तो अब दे रखा है आपको एडीसी, कौन सा निकालना हमें, एडीसी। तो ये दोनों ट्रायंगल में देखो, ये दोनों ट्रायंगल क्या है ना, ये बराबर है और ये दोनों बराबर हैं और ये मीडियन दोनों में कॉमन है। तो साइड 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 से लेकर साइड और साइड और साइड को लेकर दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्वेंट हो जाएगा। और जैसे दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट होगा तो आप क्या कहेंगे ना, एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों मिलकर 180 है लिनियर पेयर, तो ये हो गया 90। तो सी एंगल विल बी सी एंगल इक्वल टू 90। सी एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री, सी क्या होगा आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आया बेटा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 11 में आ जाइए, क्या कह रहा है ना, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट है, ए बी सी और ए डी सी। अच्छा, बी ए सी 30 का है, बी ए सी ये दे दिया 30 का है, और ए बी सी 100 का है, ये दे दिया 100 का है, ये 100 का है। तो देखो 30 है और 100 का, 130 है, 180 होता है, तो ये हो गया 50। ये हो गया आपका कितना है, 50 है। और ए सी डी पूछा है, ए सी डी, ए सी डी। अच्छा, जब ये 50 है तो ये भी 50 होगा, क्यों होगा ना, ये बराबर में ये बराबर में ये और ये बराबर में ये, सीपी सीटी से होता है, तो ये 50 है, तो आपका ए सी डी आपको 50 हो जाएगा, वो आपको ध्यान देना। अब आ जाओ 12 में आ जाओ बेटा, एक आपको फिगर दे रखा है, तो आप मुझे बताओ क्या क्या है इसमें ना। ओ ए, ओ ए और ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट, तो ए ओ बराबर में बी ओ, और क्या दे रखा है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए सी ओ, ए सी ओ दिस एंगल, और आपको दे रखा है बी डी ओ, ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है। दोनों जो दोनों लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं आमने सामने एंगल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल या शीर्षभिमुख कोण बोलते हैं। तो इसीलिए ये वाले जो एंगल है, ये वाले जो एंगल है ए वो सी एंगल बराबर हो जाएगा बी वो डी एंगल से। इसका मतलब अब आप देखो, आप इसमें कौन सी दे रखा है, ओ ए सी इज इक्वल टू ओ ए सी, ओ ए सी कहाँ है, ओ ए सी इक्वल हो जाएगा आपका ओ बी डी, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो तीसरा तो बराबर होगा, क्योंकि दोनों कॉन्वेंट हो गया, तो ओ बी डी वो आपका ऑप्शन नंबर सी, तो ये मुझे ठीक लगानी है। ओके बेटा, नेक्स्ट में आते हैं, फिगर को देखो तरीके से, ए बी और बी सी इक्वल है, ये दोनों इक्वल दे दिया, ठीक है। ए बी डी, ए बी डी ये एंगल जो है वो क्या दे दिया ना, सी बी डी, बस सी बी डी इसके साथ इक्वल दे दिया। बेटा क्या दे रखा है, ए बी और ये दोनों इक्वल दे दिया, ये दोनों एंगल इक्वल दे दिया, और बी डी तो दोनों में कॉमन है, तो ये वाले जो ट्रायंगल है कन्वर्ट हो जाएगा इस ट्रायंगल के साथ। अगर ये 30 है तो ये 30 का हो जाएगा। तो पूछा क्या है ना, देन अदर एंगल व्हिच मेजर 30 डिग्री, तो बेटा 30 डिग्री जो है वो कौन सा होगा ना, बी डी ए, ये वाला भी 30 का हो जाएगा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है जो होगा, क्योंकि दोनों कन्वर्ट है, इसलिए आपका हो गया बी डी ए ऑप्शन बी। फिर हम आते हैं 14 में, 14 क्या दे रखा है, ये आपका बुक का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो क्या दे रखा है, ए सी और बी डी ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो और ए बी दोनों में कॉमन है, तो ए बी सी, ए बी डी दोनों कॉन्वर्ट हो जाएगा, ए तो ए सी बी बराबर में ए डी बी, ओके, या डी बी ए जो भी है, ये वाला है डी बी ए, ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों कॉन्वर्ट आपको नजर आ रहा है। 15 में देखो कौन सा ऑप्शन है, ऐसे आप गेस करो बेटा कौन सा आएगा, इसको समझो, क्वाड्रेटर दे रखा है, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों में कॉमन है, साइड 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 से ये ट्रायंगल कॉन्वर्ट हो जाएगा, तो ए सी बी, ए सी बी की जगह पर ए सी डी हो जाएगा। देखो ए सी डी कहीं दे रखा है या सी ए डी, सी ए डी नहीं दे क्या रखा है, देखो पहले ए बी सी डी में क्वाड्रेटर है इन ए डी बराबर में बी सी, ए डी बराबर में बी सी दे दिया, और ए बी बराबर में दे दिया सी डी, ए डी बराबर ए बी, ए बी बराबर में सी डी दे दिया, ठीक है। तो ऐसी तो दोनों में कॉमन है ही है, तो दे रखा है ए सी बी, अगर ये वाला एंगल जो है, ये वाले जो एंगल है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा ना, सी ए डी इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, सी ए डी इसके बराबर हो जाएगा। ये दोनों बराबर मत कर देना बेटा, ये दोनों बराबर मत करना, क्योंकि ये बराबर है। पहले एंगल देखो क्या है ना, ए बी, ए बी बराबर में दे रखा है, अब देखो क्या दे रखा है, ए बी बराबर में सी डी, ए बी बराबर में सी डी,
तो यहाँ ए आ रहा है तो वहां सी आ रहा है, समझ में आया। देखो यहाँ ए आ रहा है तो वहां इक्वल में क्या आ रहा है, सी आ रहा है। फिर यहाँ बी आ रहा है तो वहां इक्वल में क्या आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है, बचा कौन है, ए बी के बाद सी है, ए बी सी है पहला ट्रायंगल में, तो इधर सी आ रहा है, दूसरे में क्या जाएगा, सी चला गया, डी चला गया, ए आ गया। इसका मतलब क्या हो गया ना, ए बी सी, ए बी सी कॉन्वर्जेंट टू क्या हो जाएगा, सी डी ए। तो इसीलिए जब आपको पूछा गया कौन सी सी एंगल, सी एंगल तो ये इक्वल किसके साथ हो जाएगा, ए एंगल के साथ इक्वल होगा। तो ए एंगल कौन सी है, ये वाला एंगल है। क्लियर हो गया बेटा, बिल्कुल। तो आपका सी ऑप्शन इक्वल है, ध्यान देना। नेक्स्ट आ जाओ 16, ये तो आपको दोनों इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल होगा। 70 गया 180 में, 70 गया 110, 110 बाय 2 55, तो आपका ऑप्शन बी हो गया आपका 55। कैसे होगा पता लग गया, दोनों एंगल इक्वल, दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। 180 में 70 गया 110, 110 में से 2 से करोगे 55 55। अब आ जाओ 17 में क्या होगा ना, आपका उसको देखो, ये भी बिल्कुल वही है, उसी तरह है, तो आपका ये हो जाएगा 40। कैसे 40 होगा, ये 70 है तो ये आपका 70 हो गया, 140, तो बचा 180 में से 140 चला गया, तो जो बचा आपका कितना बच गया, यहाँ पे 40 बच गया, कितना बच गया 40। 18 में आ जाओ, इस फिगर में देखो 18 में क्या दे रखा है ना, ये आपका ये दोनों इक्वल है, इक्वल दे रखा है, तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। ये दोनों मिलकर 180 है लीनियर पेयर, 180 में 115 चला गया, 180 में 115 जाए 65 हो जाएगा, कितना हो गया, ये 65 है। अगर बेटा ये 65 हो जाएगा तो क्या होगा ना, ये भी मेरा 65 हो जाएगा। द एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल 180, या तो एक्स ये इन द 115 में से 65 को माइनस कर दो, कितना आया ना 50। सर नमस्ते, ए जा बैठ इस इसमें क्यों आ रहा है, नमस्ते, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो घुस रहा है, जा 28 आ जाओ, क्या है ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है सी ऑब्ट्यूस है, इसका मतलब 90 से ज्यादा सी है, इसका मतलब क्या होता है, उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो बड़ा होगा, इसका मतलब ए बी जो है वो आपका बड़ा होगा, तो ए बी बड़ा इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन ए होगा जो ए बी आपका बड़ा है। 29 में ऐसे देखो, बिल्कुल सिंपल है, 29 में ये आपका बी सी होगा लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि देखो 70 और 30 100 हो गया, 80 बचा है, तो 80 के जो सामने वाले, तो इसका मतलब ए के जो सामने वाला बी सी है वो बड़ा होगा। फिगर बना के करना, ऐसे तुक्का नहीं मारना बेटा। 30 देखो, 30 में क्या आएगा ना, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट दे रखा है, दो एंगल दे रखा है, तीसरा एंगल निकाल दो, सी कितना होगा अब निकालो पहले, फिर पता लगेगा कौन सा ज़्यादा कम है। ट्रायंगल का तीनों कोण मिलकर 180 होता है, 180 में से ये हो गया 70 और ये हो गया 45, तो कितना हो गया 115 हो गया, तो 115 का मतलब हो गया वो 65 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 65। इसका मतलब जो एंगल सी है वो एंगल सी ये आपका हो गया 65। तो आप देखो जो एंगल है जो बड़ा है उसके सामने वाले सबसे बड़ा होगा, तो दे रखा है, और जो छोटा है उसके सामने वाले, ए 45 है उसके सामने बी सी है वो सबसे छोटा है, तो पूछा है शॉर्टेस्ट है तो पहले बी सी आएगा, बी सी इधर भी है, लेकिन जो बड़ा है बी उसके सामने ए सी है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, बी सी और ए सी। तो 30 का कौन सा है, 30 का बी है, 30 का डी क्यों नहीं है, क्योंकि ए बी बड़ा नहीं होगा सबसे बड़ा, क्यों बड़ा हो, क्यों नहीं ना, बी तो 70 है, तो बी के सामने वाले जो अपोजिट जो साइड है, बी का अपोजिट साइड होगा ए सी। आ गया समझ में, तो ऐसे बड़ा आपको करना है। 31 देख लो, 31 में क्या दे रखा है ऑप्शन, ये आप देख लेना, मैं आपको ऑप्शन बता दूं, ये आप चेक करना, ओडी बड़ा होगा ओ क्यू से, ठीक है। 31, 32 में देखे हो आप, 32 क्यों है उसको आप देखो, नहीं आएगा मुझे आप पूछ लेना, 32 नहीं दिख रहा है ढंग से, चलो देखते हैं, ये आपका आ गया 32। एक फिगर में ऐसी दे रखा है, थोड़ा छोटा इसको करते हैं जो हमें दिख नहीं रहा है, तो थोड़ी सी छोटा करते हैं, हाँ और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। 32 ए सी और ए डी बराबर है, ए सी ए डी बराबर है, इसका मतलब ए सी एंगल जो है वो डी एंगल के बराबर है, और क्या कर रखा है, तो ये बताओ ए बी और ए डी इसमें कौन सा सही होगा 32 में ना, ये सी होगा, क्योंकि आप देखो क्या किस लिए होगा, मैं आपको बता दूं ना, ये जो ट्रायंगल देखो क्या बता रहा हूं मैं ना, ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, इसका मतलब ये वाले जो एंगल है वो इससे भी बड़ा और इससे भी बड़ा होगा,
क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा, इन दोनों को जो ऐड करेंगे ये एंगल होगा, तो इन दोनों अगर ये दोनों समान है तो ये क्या होगा ना बड़ा होगा, ठीक है। तो उसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, ए बी जो है वो बड़ा हो जाएगा आपका किससे ना आपका एसी से। ये हो गया 32। हम आते हैं 33 में। ओके बेटा 32 क्वेश्चन है इसमें, 32 हम 33 और हम और नेक्स्ट वीडियो में हम कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये 32 क्वेश्चन आप इसमें अच्छी तरह से करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स वो भी बताया बेटा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इसको अच्छी तरह से कर लेंगे। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।